नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर 24 परगना में ईडी की रेड के बाद संवेदनशील संदेश खाली की घटना को लेकर 3 एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, दरअसल ये वो एफआईआर दर्ज की गई है जो कल घटना हुई थी, यानी कि ईडी की टीम पर जिस तरीके से हमला किया गया था। पहली एफआईआर ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई है जिसमें ईडी की रेड और उस पर हुए हमलों का जिक्र है, जबकि दूसरी एफआईआर मीडिया पर हुए हमलों को लेकर है। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, न्यूज 18 बांग्ला के रिपोर्टर और कैमरामैन किस तरीके से घायल हुए थे। और तीसरी एफआईआर शाहजा शेख के सुरक्षा कर्मियों की तरफ से कराई गई है जिसमें शाहजा शेख के घर में ईडी की टीम पर जबरन घुसने का मामला दर्ज किया गया है। यानी कि कल जो घटना हुई थी उस पर 3 एफआईआर जो है दर्ज की जा चुकी है और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। लेकिन बंगाल में बवाल पर जो 3 एफआईआर दर्ज की गई है वो 3 अलग अलग पक्षों की तरफ से दर्ज कराई गई है। देखिए, इसमें सबसे पहला पक्ष है ईडी। हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या एफआईआर, 3 जो एफआईआर हुई है उसमें कौन सी एफआईआर जो है वो पहली है, कौन सी दूसरी है। सबसे पहले पहली एफआईआर की बात करें, देखिए ये ईडी की तरफ से कराई गई है जिसमें हंगामे और हमले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें कई सुरक्षा कर्मी को भी जो है हल्की बहुत चोटें आई थी। दूसरी एफआईआर की बात करें तो मीडिया कर्मियों पर हमले को लेकर पुलिस ने दर्ज की है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था न्यूज 18 बांग्ला की जो टीम है कल वो किस तरीके से घायल हुई, हमारे कैमरामैन और हमारे रिपोर्टर के ऊपर हमला किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। और तीसरी एफआईआर जो है वो है शाहजा शेख के सुरक्षा कर्मियों ने दर्ज कराई है जिसमें शेख के कैंपस में ईडी की टीम पर जबरन घुसने का आरोप है। यानी कि ये एफआईआर जो है वो शाहजा शेख की तरफ से कराई गई जिसमें इस बात के लिए कहा गया है कि रेड के दौरान जबरदस्ती जो है वो ईडी की टीम उनके कैंपस में घुसी, उसके बाद जो है जबरन घुसने का आरोप इस पूरे एफआईआर में लिखा गया है। और एक दिन पहले उत्तर 24 परगना में छापा मारने गई ईडी की टीम पर अटैक हुआ था। ईडी की टीम ने उत्तर 24 परगना में दो जगहों पर छापेमारी की थी। ईडी की पहली टीम बनगांव नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन शंकर आद्या के ससुराल पहुंची थी जिसे ईडी की टीम ने छापे के बाद गिरफ्तार किया। शंकर आद्या की गिरफ्तारी के दौरान उनके समर्थकों ने हंगामा किया और ईडी की टीम पर हमला किया। ईडी की टीम जो दूसरी थी वो संदेश खाली पहुंची जहां शाहजहां शेख के घर छापा मारा जाना था, जहां ईडी की टीम पर अटैक हुआ और इस हमले में ईडी के अधिकारी और साथ साथ सीआरपीएफ के जवान घायल हो गए। तो देखिए कल ये पूरी घटना जो थी वो किस तरीके से हुई है। वहीं बंगाल में ईडी के एक्शन के बीच टीएमसी के नेता शाहजहां शेख ने केंद्रीय एजेंसी ईडी और सीबीआई को धमकी दी है। शाहजहां शेख ने कहा कि ईडी और सीबीआई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। कल शाहजहां शेख के ठिकाने पर ईडी की टीम ने रेड डाली थी और रेड डालने जब वहां पहुंची तो ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के समर्थकों ने अटैक कर दिया, हमला बोल दिया। और अब शाहजहां शेख का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो खुलेआम ईडी और सीबीआई को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शाहजहां शेख का वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। तो टीएमसी नेता शाहजहां शेख का वीडियो बीजेपी की ओर से जारी किया गया है जिसमें वो खुले तौर पर ईडी और सीबीआई को धमकी देते हुए, जांच एजेंसियों को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब शाहजहां शेख के घर पर ईडी पहुंची थी छापेमारी करने के लिए और उस दौरान वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने सीआरपीएफ जवानों और ईडी के साथ हाथापाई की। तो टीएमसी नेता ने ईडी और सीबीआई को धमकी दी है और खुले तौर पर एक वीडियो सामने आया है जो कि बीजेपी की ओर से जारी किया गया है जिसमें शाहजहां शेख कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईडी हो सीबीआई हो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कल की अगर बात करें तो शाहजहां शेख के घर पर अब पहुंची थी ईडी छापेमारी के लिए और वहां पर एक साथ 800 से 1000 के करीब लोग पहुंच गए और उन्होंने देखिए किस तरीके से ईंट मारकर न सिर्फ ईडी की गाड़ियां तोड़ दी बल्कि सीआरपीएफ के जवानों को बुरी तरीके से घायल भी कर दिया। শুধু আমরা মানবতা দেখায় আমরা সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি আমরা সবসময় শান্তি চায় ওই দালাল মিথ্যাবাদী বেঈমান।
तो शारजा शेख को आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर कह रहे सीबीआई हो या ईडी, मेरा बाल भी बाक का नहीं कर सकते। और हुआ भी कल कुछ ऐसा ही, कल जब ईडी की टीम पहुंची तो आखिर किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है, तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें इस बात को बताती है कि बंगाल में किस तरीके की कानून व्यवस्था जो है फिलहाल चल रही है। यहाँ पर ईडी के अधिकारी मौजूद है और ये ईंट आप देख पा रहे हैं, पूरी तरीके से जो ईंट होती है वो किस तरीके से गाड़ी पर फेंकी गई, आप ऐसे में समझिए कितनी दूर से जो है ये ईंट फेंकी गई। इसका मतलब है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे, जाहिर सी बात है कि उनको गंभीर चोटें लग सकती थी। ये रेड सर्कल में आपको दिखा रहे हैं, ये सुरक्षा बल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ईडी की टीम जो है वो वहां पर मौजूद थी और बकायदा ईंट का अद्दा जिसे कहा जाता है वो फेंका गया गाड़ी के ऊपर। और कुछ ऐसी तस्वीरें, ये तो सिर्फ एक तस्वीर है जो कैमरे में कैप्चर हुई है, ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई है कि ईंट और पत्थरबाजी जो है वो की गई थी और जिस वजह से जो है बताया जा रहा है कि कई लोग वहां पर घायल हुए, कई मीडिया कर्मी जो है वो घायल हुए। लेकिन आपको पहले ये बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला जो है क्या है और ईडी ने टीएमसी नेताओं पर आखिर क्यों शिकंजा कसने की शुरुआत कर दी है, इसकी शुरुआत कहां से हुई ये आपको बताते हैं ग्राफिक्स वॉल के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ईडी की टीम ने उत्तर 24 परगना में दो टीएमसी नेताओं के घर पर जो है वो दबिश दी थी। ईडी का छापा पश्चिम बंगाल में राशन घोटाला मामले को लेकर चल रहा, हालांकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी लगातार ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। पहली टीम ने टीएमसी नेता शंकर आद्या के ससुराल पर छापा मारा, जिसके बाद टीएमसी के नेता आग बबूला हो गए, जिसकी तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं दो दिनों से। ईडी की दूसरी टीम ने शारजा शेख के घर पर छापा मारा, जिसके बाद अब 3 एफआईआर जो है वो दर्ज की जा चुकी है। शंकर और शारजा दोनों पूर्व टीएमसी नेता हैं और अब दोनों के ऊपर जो है ईडी की टीम लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी ने छापेमारी के बाद टीएमसी नेता शंकर आद्या को जो है गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि गिरफ्तारी आज हुई है, वहां पर भी हमने देखा कि आखिर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई। शारजा शेख के घर पहुंची ईडी की टीम पर हमला किया गया, पत्थरबाजी में ईडी और सीआरपीएफ के जवान जो है वो घायल हुए। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि आखिर ईंटें जो है वो किस तरीके से फेंकी गई, जिसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र को लेकर हमलावर हो गई है और इसी वजह से पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी बेहद आक्रामक है, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने तो गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की एनआईए से जांच कराने की मांग कर डाली है और केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर बरस पड़े हैं। इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? जो करप्शन हुआ है, इस करप्शन में बहुत सारे तृणमूल नेताओं के नाम है और जिस तरीके से इन्हें अरेस्ट किया गया, ऐसा अरेस्ट और भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लगता है हमें देखने के बाद जो मीडिया रिपोर्ट वगैरह आते हैं तो उसमें ये पूरा क्लियर है कि तृणमूल कांग्रेस के हर जिले में ऐसे नेता है जो नेता पैसा खाया है और पैसा खा के करप्शन किया है, तो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर है, तो आगे आने वाले समय इन्वेस्टिगेशन में अगर वो सहयोग नहीं करते तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, करेंगे अरेस्ट, ईडी सीबीआई है इसके। तो बीजेपी नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि आखिर ममता बनर्जी चुप क्यों हैं, क्यों उनकी तरफ से नहीं बताया जा रहा कि आखिर किस तरीके की कानून व्यवस्था जो है फिलहाल पश्चिम बंगाल में है। लेकिन बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया ने टीएमसी नेता शारजा शेख के बांग्लादेश कनेक्शन को लेकर हमला कर दिया है, सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता शिशिर बाजोरिया हमारे साथ हैं। ईडी के ऊपर हमला एक बार नहीं होता, दो बार होता है, संदेश खाली में भी हुआ और जब शंकर आड्यो को पकड़ने के लिए पहुंचे तो फिर ईडी पर हमला हुआ। देखिए इससे क्या जो हम देखे हैं कल, उसे एक चीज साफ हो जाता है कि पश्चिम बंगाल, खास करके वो इलाका जो सीमांत पे है, वो हमारे देश का क्या हिस्सा है क्या? भाजपा नहीं चाहता है कि राष्ट्रपति शासन हो, 356 लगे, मगर यहाँ की जो स्थिति हो गई है शायद अब 356 के अलावा कोई चारा नहीं है। टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्यों ईडी की टीम जानकारी देकर नहीं आती है, जानकारी देकर नहीं आती है कोई, ये इसे हंसी आता है, इसे दिखता है इनका बचपना। आपको जानकारी देके कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जाएगा? एक नंबर। दूसरा, उसका आएगी तो जरूर, आप चोरी किए हो, आपका चोरी पकड़ने जा रहा है तो आपको तो बुरा लगेगा ही।